कर्नाटका स्टेट का कैपिटल है बेंगलोर। इंडिया एंड इंडिया का बाहर का मोस्ट ऑफ बिगेस्ट आईटी कंपनी का ऑफिस आपको बेंगलोर में मिल जाएगा, इसलिए बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। आईटी सेक्टर में अच्छा सैलरी एंड जॉब के लिए मोस्ट ऑफ पीपल चले जाते हैं बेंगलोर, लेकिन मैं एक पर्सनल काम के लिए 4 दिन के लिए बेंगलोर आया हूँ, वो भी तब जब 2021 में लॉकडाउन अभी जस्ट शुरू हुआ है। मैं हूं आपका फ्रेंड सौरभ राज। मेरा जर्नी शुरू होता है कोलकाता से। मैं थोड़ा बजट में ट्रैवल करना पसंद करता हूं, इसलिए मैं पहले मेट्रो, उसके बाद ऑटो, उसके बाद रिक्शा से मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा था। अब भी कभी ऐसा रिक्शा से अगर एयरपोर्ट पहुंचे हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोलकाता एयरपोर्ट बहुत अच्छा साफ सुथरा था एंड कोविड गाइडलाइन भी बहुत अच्छा फॉलो कर रहा था। मैंने इंडिगो का दोपहर 2 बजे का फ्लाइट बुक किया था। फ्लाइट में बोर्डिंग करने से पहले हम लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और 2 पैसेंजर के बीच में जो बैठेगा उसके लिए पीपीई किट भी वो लोग दे रहा था। कृपया ध्यान दीजिए, हम अपने यात्रियों को याद दिलाना चाहेंगे कि सरकारी नियमों के अनुसार विमान में मोबाइल फोन्स का प्रयोग करना वर्जित है, क्योंकि ये विमान के संचार साधन और यात्रियों की सुरक्षा में बाधा डाल सकते हैं। धन्यवाद। के बाद हम लोग बेंगलोर पहुंच गए। फ्लाइट से उतरते ही भूख बहुत लग गया, इसलिए एयरपोर्ट से बाहर निकल के पहले पेट पूजा किया। बेंगलोर एयरपोर्ट में अगर आप सस्ते में लंच, स्नैक्स, डिनर करना चाहते हो तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में आना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऐसा एक रेस्टोरेंट टाइप का है, रेस्टोरेंट एक कार के ऊपर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, इधर आपको आना पड़ेगा। इधर आपको चिकन बिरयानी ओनली 110 रुपये में, वेज फ्राइड राइस 80 रुपये में, एक फ्राइड राइस आपको 80 रुपीज़ में, चाय कॉफ़ी आपको 10 रुपीज़ में मिल जाएगा। मैं ये वेज पाप लिया हूँ, इसका प्राइस पड़ा है ओनली 20 रुपये। तो आप अगर दूसरा एयरपोर्ट में अगर आप गए हो और उधर आपको सस्ते में अगर आपको ऐसा मिला है तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। देखते हैं ये पाप का टेस्ट कैसा है। सच में बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। एयरपोर्ट के बाहर ही हम लोगों को ओला, उबेर, कैब एंड पब्लिक बस फैसिलिटी देखने को मिला। इधर आपको बस मिल जाएगा, आपको अगर बस में जाना है तो इधर से आपको जिधर जाना है उधर के लिए बस मिल जाएगा। देखिए सब बस जा रहा है और ऐसा बस का जिधर जिधर बस जा रहा है उधर उधर सब लिखा हुआ है कौन सा बस कहां पर जा रहा है। मैं बस में 220 रुपये देकर 30 किलोमीटर सिटी के अंदर गया था। बेंगलोर में ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट मुझे दूसरा सिटी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लगा। बेंगलोर पहुंचने के बाद नेक्स्ट 2 दिन मैं बहुत बिजी हो गया था, इसलिए 2 दिन का वीडियो मैं नहीं बना पाया। गुड मॉर्निंग, बेंगलोर में आज मेरा 8th डे है। आज ही बहुत ही ज़्यादा डेंजर डे है मेरे लिए, क्योंकि मेरा कल मेरा फ्लाइट है बेंगलोर से कोलकाता के लिए, और फ्लाइट के लिए RT-PCR कोविड टेस्ट करना मैंडेटरी है। अगर आपका नेगेटिव हुआ
जो ही आपको फ्लाइट में जाने देगा, नहीं तो आप नहीं जा पाओगे। इसलिए मैं कोविड आरटीपीसीआर रिपोर्ट करने के लिए बेंगलोर का रामाया हॉस्पिटल में गया था। इधर कोविड टेस्ट अभी हो गया, अभी इधर हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारा फूड स्टॉल है, ये आप मेरा पीछे देखिए, ये सब फूड स्टॉल है। इधर का राइस और सांभर का टेस्ट बहुत अच्छा है, 30 रुपये में बहुत अच्छा खाना मिल रहा है इधर। और मैंने कल रात को एक जिलपी लिया था, ये पूरा कोलकाता स्टाइल का है। अभी मेरा कोविड रिपोर्ट हो गया है, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा ये कल ही पता लगेगा। अगर पॉजिटिव होगा तो मैं कोलकाता नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो मैं हंसते हंसते कोलकाता जा पाऊंगा। अभी दोपहर का 2 बज गया है, अप्रैल का महीना है, लेकिन गर्मी नहीं है इधर। बेंगलोर का वेदर बहुत अच्छा है, इस टाइम कोलकाता में उफ पसीना पसीना गर्मी ही गर्मी है, लेकिन ज़्यादा धूप है इधर। धूप में भी ऐसा पैदल चल पा रहा हूँ, यही बेंगलोर का वेदर है। बेंगलोर में शाम के टाइम आपको अनेक प्रकार पकौड़ा का दुकान देखने को मिलेगा, पकौड़ा का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा मुझे। इधर और एक जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इधर हर एक दुकान के आगे आपको हैंड वॉश, प्यूरिफाई वाटर एंड डस्टबिन देखने को मिलेगा। आखिरी दिन बेंगलोर में लॉकडाउन शुरू हो गया, मैं पहले आरटीपीसीआर रिपोर्ट के लिए हॉस्पिटल विजिट किया। ट्वेंटी फोर आवर बीत जाने के बाद मैं हॉस्पिटल में आके सैंपल कलेक्ट किया हूँ, मतलब मैं कोविड रिपोर्ट टेस्ट जो हुआ है वो टेस्ट का रिपोर्ट मुझे मिल गया है, ऐसा नेगेटिव आया है। अभी कुछ रुकावट नहीं है, मैं आसानी से बेंगलोर से कोलकाता अभी जा पाऊँगा। लॉकडाउन चलने के वजह से हम लोग ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी नहीं किया, अभी बस स्टैंड में जाकर देखते हैं उधर खाने के कुछ मिलता है कि नहीं। मैं बस स्टैंड में तो आ गया, आज लॉकडाउन है ये मालूम नहीं था, अगर पहले से मालूम होता तो मैं आज का दोपहर का खाना एयरपोर्ट में रात में स्टे करूँगा, उधर का खाना तो एक साथ मैं कल ही ले सकता था, लेकिन पता नहीं था कि आज सैटरडे और संडे 2 दिन वीकेंड लॉकडाउन बेंगलोर में चल रहा है, इसलिए खाने का प्रॉब्लम तो हो रहा था। लेकिन ऐसे सिचुएशन में इधर मैं स्विगी का हेल्प लिया, खाना नहीं मिल रहा है ऐसा बड़ा टाउन में, तो आप सिंपल सा आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी का हेल्प ले सकते हो। मेरे लिए तो आज बहुत अच्छा दिन है, खाना मिल गया। जब मैं आ रहा था तब तो सोच रहा था कि अरे यार आज खाना कहाँ मिलेगा, खाना खा पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि सारा दुकान सब कुछ चारों तरफ बंद था, लेकिन फाइनली मिल गया। मैंने ऑर्डर दिया हूँ, मैंने डोसा ऑर्डर दिया था, देखते हैं कि इस पे क्या क्या है। हम लोग 2 बंदे हैं, डोसा उधर ऐप में दिखा रहा था कि 60 रुपये करके है, 60 सर 120, लेकिन बिल हुआ है मेरा सब कुछ मिला के 202 रुपये। ये है बहुत अच्छा सा पैक करके दिया है डोसा, प्रियदर्शिनी भेज, देखिए बहुत अच्छा है। इस पे भी शायद मैं 2 टाइप का डोसा ऑर्डर किया था, ये भी शायद डोसा होगा। और बहुत सारा चाटनी दिया है, ये एक चाटनी, ये भी एक चाटनी है, और ये भी एक चाटनी। इसको साइड पे रख देते हैं, अभी खोल के देखते हैं कि इस पे क्या दिया है। बहुत अच्छा पैक करके दिया है, ये भी डोसा ही होगा शायद, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हाँ ये देखिए, ये भी एक डोसा है, इनफ है खाना। वाओ देखिए डोसा, आज तो बहुत अच्छा खाना होगा। इसका टेस्ट कैसा है मैं खा के आपको थोड़ी देर के बाद दिखाता हूँ आपको, पहले थोड़ा सा मैं सैनिटाइज कर लेता हूँ।
सेठ, इसका नाम है सेठ डोसा। बहुत अच्छा टेस्ट है, सच में बहुत अच्छा टेस्ट है। मुझे चटनी दिया है, मुझे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। एक एक ट्राई करके देखते हैं कि कैसा है, आपको भी मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा, जैसा चटनी होगा। A1 क्वालिटी। और ये देखिए, ये मसाला डोसा, ये भी बहुत अच्छा है। ये देखिए कितना अच्छा बनाया। बेंगलोर में हर एक बस स्टैंड में मुझे डस्टबिन देखने को मिला। इधर एक डस्टबिन है और उधर भी एक डस्टबिन है, और इस साइड भी उधर डस्टबिन है। मेरा तो खाना खाना हो गया, अभी इसको ले जाकर डस्टबिन में फेंक देता हूँ। और डस्टबिन भी एक डस्टबिन नहीं, टू टाइप का डस्टबिन है। जो रिसाइकल होगा उसके लिए अलग से डस्टबिन है, और जो रिसाइकल नहीं होगा उसके लिए अलग से डस्टबिन है। लंच करने के बाद बस पकड़ के एयरपोर्ट गया था। बस का किराया हम लोगों को 300 करके लग गया था। एयरपोर्ट पहुंच के भूख लग गया। एयरपोर्ट के अंदर वाले स्टॉल में खाना तो मिल रहा था, लेकिन खाने का प्राइस मुझे थोड़ा ज्यादा लगा। इसलिए मैं आने के टाइम जिधर से स्नैक्स चाय लिया था, उधर ही आके मैं मेरा स्नैक्स लिया। अभी टाइम रात का 12:30 बज गया है, चेक इन करने वाला हूँ। इधर ठंड बहुत ज़्यादा है, आप मेरे को देख के थोड़ा सा समझ जाइए इधर कितना ज़्यादा ठंड है। एक शर्ट के ऊपर और एक शर्ट पहना हूँ, और मेरा कान को ढकने के लिए ये रूमाल का यूज मैं किया हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड है, विश्वास नहीं हो रहा है कि अप्रैल महीने में इधर इतना ठंड है। आप अगर अप्रैल मंथ में अगर बेंगलोर आओगे तो आप ठंड का थोड़ा सा सामान अपने पास ज़रूर रखिए। और मैं आपको और एक बात आपको बता दे रहा हूँ, आप अगर एयरपोर्ट में आओगे आपके साथ बोर्डिंग पास, टिकट का कॉपी और जेरोक्स कॉपी अपना साथ रखिए, और एक आधार कार्ड का कॉपी भी अपना साथ आप रखने का कोशिश कीजिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अगर अपना साथ रखोगे तो आपके लिए ट्रैवल करना बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए अभी चेक इन करके एयरपोर्ट का अंदर ले जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अंदर का कैसा माहौल है रात को। मेरा फ्लाइट मॉर्निंग का 5:10 को है। एयरपोर्ट में चेक इन करके थोड़ा रेस्ट लेकर हैप्पीली हम लोग कोलकाता पहुँच गए थे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। थैंक यू। चलो।